नमस्कार स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। लेकिन मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी, इसके पहले का जो हमारा वीडियो था टाइम सीरीज का फर्स्ट वीडियो, आप उसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक बताया है कि टाइम सीरीज होता क्या है, उसके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं एंड उसके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर की है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 टू 1972। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ना ये डेटा दिया गया है, ये डेटा किसका है, तो ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन का है। ठीक है, कि इस ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ, इस ईयर में इतना हुआ, इस ईयर में इतना हुआ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप उसको देखो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबव डेटा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बताना है बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। देखो बहुत ही इजी होता है ये वाला मेथड, और ये जो मेथड रहता है ना, ये आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देता। मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो मुझे कुछ और आंसर मिलेगा, आप करोगे तो कुछ और आंसर मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी, आप समझ जाओगे, एक सम में ही समझ जाओगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। बहुत ही आसान है ये वाला तो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना कैसे है, देखो आपको सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। अभी एक्स एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, ईयर्स को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जो भी आपका टाइम दिया रहेगा उसको, तो ये आपका, ये आपके ईयर्स हो गए, राइट। एंड वाई एक्सिस पे क्या, प्रोडक्शन को। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं प्रोडक्शन, किस में दिया है, इन 1000 टन्स में दिया ना, तो यहां पर लिख देते हैं इन 1000 टन्स। ठीक है, इस तरह से समझे, इतना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, फिर यहां पे ईयर्स लिख दिया, यहां पे प्रोडक्शन इन 1000 टन्स लिख दिया, और स्केल भी लिखना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्केल को आप भूलिएगा नहीं, इस पे भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो स्केल लिखा है हमने, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, है ना। देखो 1 ईयर का ही डिस्टेंस लिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक मिनट, ये आपका 1962 एंड ये आपका 1963। ठीक है, इस तरह से 1 ईयर का डिस्टेंस लिया है कि नहीं। फिर वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 टन्स है, ठीक, समझ गए इतना। अब आपको क्या करना है, देखो ये आपका जो ईयर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स, और प्रोडक्शन क्या होगा, वाई, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये आपका एक्स और ये आपका वाई हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, तो इन पॉइंट्स को ना इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है आप लोगों को। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग ने पहले भी सीखा है, चलो करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1962 देखना है आप लोग को, और वाई एक्सिस पे 0 देखना है, तो वो वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो एक्स एक्सिस पे 1962, वाई एक्सिस पे 0, इट मीन्स ये वाला पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट, समझे। फिर 1963 और 0, तो 1963 और 0 मतलब यही वाला पॉइंट होगा, ओके, एक्स एक्सिस पे ही वो पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद 1964 और 1, तो 1964 और 1 मतलब ये पॉइंट ना कुछ यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो ना। और मैं आप लोग को बताते चलूँ, ये आप लोग को किस में करना है, तो अपनी ग्राफ बुक में करनी है। ठीक है, ग्राफ पेपर आता है ना जिसपे बहुत सारे लाइंस बने होते हैं, जो हम ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको उसी पेपर पे इसको बनाना है, प्लेन पेपर पे नहीं बनाना है। तो 64 का हो गया ना, अभी 65 को देखो, 1, ओके, तो 65 कहाँ पर ये आएगा, है ना, एक्स एक्सिस पे 65, वाई एक्सिस पे 1, एंड देन 66 और 4, तो 66 एंड 4, 66 इट मीन्स ऐसे, 4 मतलब यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 67 और 2, तो 67 एंड 2, 2 मीन्स, 2 मीन्स ये देखो यहाँ पर, इस तरह से आ जाएगा, राइट। ठीक है, एंड देन 68 एंड 4, तो 68 एंड 4 मतलब यहाँ पर, ठीक, हाँ। फिर 69 और 9, तो 69 एंड 9, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, एंड 69 मतलब ये,
ठीक। फिर 70, 1970 और 7, तो 90, 70, देखो आप एक एक करके देखते जाना। हाँ वैसे ये तो आप लोग को आता ही है, 1970 था और क्या था, 7। ओके सो 90, 70 और 7, मतलब ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 71 और 10, तो 71 और 10 मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इट मीन्स यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या है, 1972 और 8, तो 72 एंड 8, 8 मीन्स कुछ यहाँ पर, ये गया ये गया ये और ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब आपको करना क्या है, तो अपने हाथों से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कैसे करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला, और यहाँ पे किंक का साइन आएगा, आपको पता है ना ये क्यों आता है, क्योंकि हमने पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया, देखो 1962 से स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ पे ऐसा किंक आ गया, ठीक है। तो अब 1962 टू 63 जाएंगे, उसके बाद 63 टू 64, इट मीन्स यहाँ पर है ना, 64 का पॉइंट तो यही था ना। फिर 64 टू 65 जाएंगे, एंड देन 65 टू, देखो 65 टू 66, इट मीन्स दिस पॉइंट। फिर 67, तो ये वाला पॉइंट, 68 मतलब ये वाला पॉइंट, 69 तो ये वाला पॉइंट, है ना, इतना ऊपर आ गया, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। एंड देन 70, 70 मतलब ये वाला पॉइंट, फिर 71 तो ये फिर ऊपर जाएगा, एंड 72 तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अब आपको करना क्या है, आपको ट्रेंड लाइन बताना था ना, क्या बताना था, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन आप लोग को कैसे मिलेगा, तो देखिए मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पर एक लाइन खींचूंगी, एक ट्रेंड लाइन खींचूंगी, ठीक है। तो वो लाइन मैं यहाँ से खींचना चालू करूंगी, देखो ये देखिए ये लाइन कुछ यू ड्रॉ होगी, ठीक है, इस तरह से ये ऊपर जाते जाएगा, जाते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेंड लाइन, ये क्या है, ट्रेंड लाइन। और मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो ट्रेंड लाइन होता है ना, इसमें सभी के आंसर अलग अलग आते हैं, ठीक है, क्योंकि समझिए कोई और रहता, मैं वो तो मैंने ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की। अगर आप लोग रहेंगे तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो यहाँ से भी लाइन को बना सकते हो, समझ में आ रहा है। मतलब क्या, ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं देता, ये सभी के लिए अलग अलग होता है। कोई दूसरा पर्सन रहेगा तो वो नीचे से भी ये लाइन खींच सकता है ना। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आपको क्या बता रहा है कि इसमें ये जो डेटा दिया गया है, यहाँ पे ट्रेंड कैसा है, तो अपवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, समझे। तो जब भी ऐसा ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन आया ना, तो आपको इसी तरह से करना है। क्या करोगे, जो भी डेटा दिया रहेगा, ठीक है, उसके पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है आप लोगों को, और इस तरह से एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। और ये लाइन आपको कैसे खींचनी है ना, कि ये जो लाइंस बने हुए हैं ना, इनको ऐसे काटती हुई जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये टच नहीं कर पाई तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरह से आप लोग को करना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आप एकदम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको आंसर, मतलब ऐसे ही आंसर मिलेगा, सही है ये भी, ठीक है, सही है, ऐसे ही करना है। और मैं आप लोग को बताते चलूँ, स्केल लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ये भी आपको लिखना पड़ता है, ये भी लिखना पड़ता है, हर चीज आपको लिखना ही है, ठीक है, समझे। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा लिस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में जान लेते हैं, कि लिस्ट स्क्वायर मेथड में होता क्या है, क्योंकि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसे आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे ना। तो चलो समझते हैं। इसमें देखो एक इक्वेशन होता है ट्रेंड लाइन का, क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी बी टी, ओके। इसमें आपको करना क्या होता है, तो ए और बी इन दोनों के वैल्यूज को पुट करना होता है, जिससे आपको ट्रेंड वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, जब हम सम सॉल्व करेंगे आप अपने आप ही समझ जाओगे, बस जितना बता रही उतना सुनो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन होता है, समझ गए। अब इसमें मैंने क्या बोला कि आपको ए और बी के वैल्यूज को पुट करना रहता है, राइट। तो
तो ए और बी के वैल्यूज आपको मिलेंगे कैसे? तो ए और बी के वैल्यूज आपको मिलते हैं नॉर्मल इक्वेशन से, ठीक है। दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, देखो यहाँ पे एक ये वाला और दूसरा ये वाला। यहाँ पे समेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू एन इंटू ए, ठीक है, ये क्या है, एन ए प्लस बी फिर समेशन ऑफ टी। ओके, टी मतलब क्या होता है, टाइम। जैसे ये है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, टी, समझे, ये हो गया ना। उसके बाद हाँ, ये सेकेंड वाला इक्वेशन देख लो, तो समेशन ऑफ टी वाई टी, समझे, ये क्या है, वाई टी इज इक्वल टू ए फिर समेशन ऑफ टी प्लस बी समेशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों है नॉर्मल इक्वेशंस जिन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही डायरेक्टली ये इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं है कि ये कैसे डिराइव्ड हुआ, ये आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, याद करना है इन दोनों को, इन तीनों को, ठीक है, लर्न करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर n आपका क्या होता है, ऑड होता है। n मतलब क्या होता है, जैसे ये ईयर्स दिए गए हैं, तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स है इसमें, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 11, तो n क्या आया, ऑड आया। तो देखो, जब भी n ऑड रहेगा ना, तब हम क्या करते हैं, u का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब ये u क्या होता है, तो देखो ये जो t रहता है ना, t t इसको हम क्या करते हैं ना, यू से रिप्लेस कर देते हैं। क्या बोला मैंने, टी को यू से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, छोटा करने के लिए। क्योंकि आप ही सोचो ना, जब आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बड़े बड़े वैल्यूज आपको मिलेंगे, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपका टी रहता है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, यू से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, अगर एन ऑड नंबर रहा, जैसे कि 11 13 और 17, इस तरह से अगर रहा ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। जब आपको यू चाहिए तो कौन सा, यू इज इक्वल टू टी माइनस मिडिल वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, टी में जो मिडिल वैल्यू रहेगा वो अपॉन में क्या आता है, एच। एच मतलब क्या होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। जैसे 1962 टू 63 कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना, तो वो, समझ गए। वैसे ये सारी चीजें आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि यू कैसे निकाला जाता है, एच क्या होता है ना। 11th स्टैंडर्ड में आपका जो मैथ पार्ट 2 में कौन सा चैप्टर था, सेकेंड या फिर थर्ड, ठीक है, उसमें आपने ये सीखा था। नहीं याद है, जाने दो। यहाँ पर देखो, अगर एन इवन रहेगा, तो अगर समझिए एन कितना आ गया, 12 आ गया, तो आप यू का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखो, उसके लिए फॉर्मूला होता है, यू इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टी वैल्यूज, ये टी है, ठीक है, मिडिल के जो टी के वैल्यूज रहेंगे ना, दो वैल्यूज उनका हम मीन ले लेते हैं, अपॉन में एच अपॉन टू आता है, ठीक है, अपॉन में क्या आता है, एच अपॉन टू, समझे। तो जब भी ऑड रहेगा तब आपको यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर इवन रहा तो यू के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो, आपने क्या किया है, टी को यू के साथ रिप्लेस कर दिया है ना, टी के प्लेस पर आप यू को लेकर के आए हो, तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये भी चेंज होंगे, ठीक है, ये तीनों भी चेंज होंगे। कैसे, देखो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे ट्रेन लाइन इक्वेशन क्या है, देखो ऐसा करने के बाद आपको ट्रेन लाइन इक्वेशन क्या मिलेगा, अगर आप टी को रिप्लेस नहीं कर रहे हो यू के साथ, तब तो आपको ये तीनों फॉर्मूले इक्वेशंस का यूज करना है। लेकिन अगर आप रिप्लेस कर रहे हो ना, देन ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या हो जाता है, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो, वाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है ए डैश, इस तरह से। फिर बी है ना, तो क्या लिखना है, बी डैश। और टी के प्लेस पर आप लोग को यू लिखना है, क्या लिखना है, टी के प्लेस पर यू लिखना है, क्योंकि हमने क्या किया है, टी को यू से रिप्लेस कर दिया है, समझे। तो वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी था, तो क्या हो गया, ट्रेंड लाइन इक्वेशन अभी वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू, समझे। उसके बाद नॉर्मल इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस, तो यहां पर समेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू क्या है, एन है तो एन ही लिखना, ए है ना तो ए डैश लिख देना, देखो यहाँ पे ए है तो ए डैश लिख देना, प्लस बी है तो बी डैश लिखना, और समेशन ऑफ क्या है, यहाँ पर टी है ना, तो इसमें आप क्या लिखोगे, यू, समेशन ऑफ यू। ओके, फिर एक और है ना इक्वेशन, तो देखो समेशन ऑफ
TYT है ना, तो T के प्लेस पर क्या लिखेंगे, U, फिर YT इज इक्वल टू A, तो A डैश लिखोगे, फिर समेशन ऑफ T है ना, तो U लिखना है आप लोगों को, प्लस B है तो B डैश लिखना, फिर समेशन ऑफ T स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, U स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं जिन्हें आपको यूज करना है ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए, समझे। तो मेन क्या है, मेन बात क्या है, आपको इनको याद रखना है, यहां से यहां तक आप लोग को याद रखना है, क्योंकि हर सम में हम यही करने वाले हैं। यू का यू को टी के साथ रिप्लेस तो करेंगे ही, समझे। तो आपको मेनली तो यही याद रखना है, ठीक है, और इसको अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए ना कि ट्रेंड लाइन इक्वेशन ओरिजिनल वाला क्या होता है, फिर नॉर्मल इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू को स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या दिया गया है, पढ़िए इसको। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम वन, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया था ना, उसी में आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है बाई लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ पर आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, राइट, ग्राफिकल मेथड से ट्रेंड वैल्यू बताया था, यहाँ पर आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना है। एंड और क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो ऑब्टेन द वैल्यू फॉर द ईयर 1975, और 1975 के लिए आपको ट्रेंड वैल्यू भी बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, ये जो आपका ईयर है ना, ये क्या हो जाएगा, टी, टी फॉर टाइम, और ये जो प्रोडक्शन है ना, इसको आप क्या बोलोगे, वाई, और इस तरह से यहाँ पर नीचे टी लिख देना, ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, आप लोग को क्या करना है, टी को यू के साथ रिप्लेस करना है, अभी अभी बताया था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू। अब ये यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे काउंट करो, एन कितना है, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, और 11 क्या है, ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर रहता है तो यू का फॉर्मूला क्या होता है, टी माइनस मिडिल टी वैल्यूज, ठीक है, मिडिल टी वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे बीच का टी का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 5 ऊपर छोड़ना 5 नीचे, तभी तो हमको बीच वाला वैल्यू मिलेगा ना, तो 1 2 3 4 5, ये देखो 5 ऊपर छूट गया, नीचे से 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे, बीच में क्या है, 1967, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1967, फिर अपॉन में क्या आता है, एच आता है, ठीक है। अभी एच कितना है, देखो डिफरेंस कितने का है, 1 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस तरह से, समझे। और ये 1 है तो आप अगर 1 को नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि अपॉन में 1 रहता है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, मतलब U इज इक्वल टू क्या हो गया, T माइनस 1967, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसको इस तरह से ऐसे लाइन बना दो। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, तो देखिए नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है यू स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। अभी देखना, जब हम यहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे ना, तो आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये सब फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यू निकाल लेते हैं, तो देखते जाइएगा, 1962 माइनस 1967, 62 में से 67 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पर, -5 आएगा, राइट, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इस तरह से आप लाइन भी खींचते जाओ, 63 में से 67 को माइनस करिए तो क्या आएगा, -4 आएगा, हाँ एकदम राइट है। फिर 64 में से 67 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, ये भी एकदम सही है। देन 65 में से 67 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। फिर 66 में से 67 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। एंड देन 67 में से 67 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 1968 माइनस 1967 1, 1970 माइनस 1969 माइनस 1967 तो यहाँ पर आएगा 2, फिर माइनस करते हैं तो 70 माइनस 67 तो यहाँ पे 3 आएगा। अब अगेन माइनस करते हैं तो 71 माइनस 67 तो यहाँ पे आ जाएगा 4,
एंड लास्ट में 72 माइनस 67 करेंगे तो 5 आ जाएगा. ओके तो ये हो गया. अब नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, तो यू स्क्वायर का, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमको पढ़ने वाली है. आपने इक्वेशन में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिखूंगी, आप खुद ब खुद समझ जाओगे. अब यू स्क्वायर, तो माइनस फाइव का स्क्वायर क्या होता है, 25 लिख देते हैं हम. माइनस फोर का स्क्वायर 16, फिर थ्री का स्क्वायर 9, टू का 4, 1 का प्लस 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25. ठीक है, इतना समझे. अब इस तरह से आप एक लाइन खींच दो. अब किसका कॉलम बनेगा, तो एक और वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ेगी. वो कौन सा वैल्यू है, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कौन से वैल्यू की, तो u इंटू वाई टी. ओके u इंटू हाँ वाई टी, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी. आप एक सम कंप्लीट कर लोगे ना तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या क्या निकालना है. अभी ये पहला सम है तो आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाओगे. तो आप चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 0 इंटू 5 करेंगे तो 0, 0 इंटू 4 0, माइनस 4 और माइनस 5 है. 1 इंटू माइनस 3 तो माइनस 3, देन 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, फिर 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, एंड देन 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 9 इंटू 2 18, फिर 7 इंटू 3, तो 7 टू 14, 7 थ्री 21, फिर 10 4 तो 40, उसके बाद 8 5 40. ठीक है, अब हम सबका टोटल निकाल लेते हैं. तो देखो यहां पर एक और रो बनाएंगे और इसमें टोटल लिखेंगे. क्या लिखेंगे, टोटल. तो सबका टोटल करते जाइए. यहाँ पे वाई टी का टोटल क्या होगा, इसके टोटल की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी. ठीक है, वैसे जब पड़ेगी तब हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी इन तीनों का टोटल निकाल लेते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, प्लस 5 15. ओके क्या आया यहाँ पे, प्लस 15 आया है. इधर से देखोगे तो 3 प्लस 2 5 1 6, 4 10 माइनस 15. ओके देखो प्लस 15 माइनस 15 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका टोटल क्या आ गया, 0 आ गया. क्लियर, अब इसमें क्या होगा तो देखते जाइएगा. चलो ऐड कर देते हैं. तो 5 प्लस 6 कितना होगा, 11, 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 4 24, प्लस 1 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 4 30, 39, 39 प्लस 6 45, 45 प्लस 5 50 का 0 कैरी आ जाएगा 5. अभी चलो फिर से ऐड करते हैं, मतलब इधर वाले नंबर्स को. तो 2 1 3 3 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, यहाँ पर आ जाएगा 110. ओके आप एक बार फिर से चेकआउट भी कर सकते हो. जैसे यहाँ पर देखना, 16 प्लस 4 क्या होगा, 20, 20 प्लस 9 29, प्लस 1 30, 30 प्लस 25, 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 55. ओके 55 इधर, 55 इधर, तो 110 ही आएगा ना. हाँ तो ये हमारा आंसर एकदम राइट है. अब इधर भी कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा तो देखते जाइए. माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 तो 5 माइनस 9 आ जाएगा, है ना. 3 प्लस 2 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9, और माइनस है हर जगह तो माइनस 9. यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो ऐड करते जाना आप. तो एक काम करते हैं, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1, 7 प्लस
वन कितना हो जाएगा, एट, एट प्लस फोर 12, 123, यही आएगा ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो गया तो फिर हमारा पूरा समय रॉन्ग हो जाएगा। तो एक काम करो, और 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 21, तो 101 101 101 प्लस 4 करेंगे तो 105। अभी 105 में क्या ऐड करेंगे, 18 को, तो यहाँ पे मैंने लिखा 18, 5 प्लस 8 कितना होता है 13, कैरी 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हाँ देखो 123। ठीक है, देखो जब इन सभी को प्लस किया था तो -9 मिला था, और इन सभी को प्लस किया तो 123। अभी माइनस करेंगे तो 13 माइनस 9 करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, 13 माइनस 9 करिए तो 9 10 11 12 13 4 आएगा। फिर यहाँ पे इसने इसको एक कैरी दिया था ना, तो 1 1 क्या आ गया, 114। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 114, समझे। इस तरह से आप लोग को करना है। तो ये हमने सबका टोटल निकाल लिया, अब हमको ट्रेंड वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ट्रेंड वैल्यू के लिए एक और कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू के लिए एक और कॉलम बनेगा, तो ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। जो इक्वेशन मैंने बताया था ना, वो आप देखो इधर, और ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है देखो, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन जैसे मैं लिख रही हूँ इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाना है और फिर उसके नीचे ये लिखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। तो ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन मैंने आप लोग को क्या बताया था, एकदम स्टार्टिंग में ओरिजिनल वाला क्या बताया था, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर यहाँ पर टी लिखा था, राइट, यही इक्वेशन था ट्रेंड वैल्यू का, है ना। अब यहाँ पर देखो एन क्या है आपका, एन इज इक्वल टू 11, मतलब ऑड है, राइट। तो यू आपका क्या हो जाएगा, टी माइनस मिडिल मिडिल वैल्यू ऑफ टी, राइट, मिडिल वैल्यू ऑफ टी अपॉन एच, राइट। तो इसका मतलब क्या, यू इज इक्वल टू टी माइनस 1967 अपॉन एच, मतलब 1। सो देयरफॉर इस तरह से आप लिख दो, सो देयरफॉर यू इज इक्वल टू टी माइनस 1967 अपॉन, अपॉन में नहीं आएगा ना कुछ भी, हाँ अपॉन में नहीं आएगा क्योंकि 1 है तो 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये हो गया यू, राइट। अब जो आपका इक्वेशन है ट्रेंड लाइन का वो क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, टी को रिप्लेस कर दिया यू के साथ, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर लिखना कि नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, समझे। ये आपका लिख दो इक्वेशन नंबर 1। देखो इसी की हेल्प से हमको ट्रेंड वैल्यूज मिलेंगे, बस आप देखते जाओ। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब नॉर्मल इक्वेशंस कौन कौन से होंगे, तो देखो बच्चों यहां पे लिखो नॉर्मल इक्वेशंस। पहला वाला क्या होगा, तो पहला वाला क्या होता है, समेशन ऑफ, है ना, इस तरह से समेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे, एन फिर ए डैश उस प्लस, फिर क्या आता है, बी डैश, और फिर समेशन ऑफ, और टी रहता है ना यहाँ पे, तो समेशन ऑफ यू लिखने का, है ना, टी के प्लेस पर यू लिखने का। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन में समेशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, यू वाई टी। देखो ये जो इक्वेशंस मैं लिख रही हूँ ना, इसे आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा आप लोग को, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे वाई टी लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पर आता है क्या क्या आया था, हाँ ए डैश और समेशन ऑफ यू, ठीक है सही लिख रही हूँ ना मैं, हाँ सही ही है, फिर समेशन ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, समझे। तो ये आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है, ये आपके दोनों नॉर्मल इक्वेशंस हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब हमको करना क्या है, तो देखो
अब मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि इसी इक्वेशन की हेल्प से हमको ट्रेंड वैल्यूज मिलेंगे। तो देखो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास ए डैश होना चाहिए, बी डैश होना चाहिए और यू होना चाहिए। तो यू तो हमारे पास है, देखो यू हमारे पास है, लेकिन ए डैश और बी डैश है क्या? नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों की हेल्प से, ये जो नॉर्मल इक्वेशन है ना, इनकी हेल्प से ए डैश और बी डैश निकालेंगे। अब वो आएगा कैसे, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर लिखना फ्रॉम टेबल, ठीक है, क्या लिखोगे, फ्रॉम टेबल। अभी देखो टेबल से हमको कौन कौन से वैल्यूज मिले हैं, देखो यहाँ पे समेशन ऑफ यू मिला है, समेशन ऑफ यू स्क्वायर और समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी। ओके तो चलो लिखती हूँ मैं यहाँ पर, समेशन ऑफ यू कितना आया है, जीरो आया है ना, यहाँ पे देखिए जीरो। फिर समेशन ऑफ यू स्क्वायर, समेशन मतलब क्या होता है, टोटल, यू स्क्वायर का टोटल 110, तो लिख देते हम यहाँ पर। और क्या, समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी कितना आया है, 114। तो यहां पर मैं लिख दूंगी, ठीक। तो ये सारे वैल्यूज हमको कहां से मिले, इस टेबल में से मिले, राइट। और कोई वैल्यूज हमको चाहिए होगा क्या, तो देखिए यहां पर क्या है, समेशन ऑफ वाई टी मतलब हमको वाई टी का भी टोटल चाहिए होगा। अगर हमको ए डैश और बी डैश के वैल्यूज चाहिए तो हमको समेशन ऑफ टी भी चाहिए होगा। तो वो कैसे आएगा, देखो इन सभी को ऐड कर दो। तो चलो ऐड करते हैं, 1 + 1 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 + 4 12 + 9 12 + 9 कितना होगा, 12 + 9 21 21 + 7 28 28 + 8 28 + 8 36 का 6 कैरी 3, फिर इधर 1 और 3 4 46, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लिख दूंगी, समेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू 46, समझे, इस तरह से आप लोग को करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यूज हमको मिले हैं ना, इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 और 3, ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 को देखिएगा, क्या दिया यहाँ पर, समेशन ऑफ वाई टी, ठीक है, तो समेशन ऑफ वाई टी कितना है, 46 इज इक्वल टू एन, एन कितना है, देखिए यहाँ पर एन है 11, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ए डैश हमको, अच्छा एन के प्लेस पर 11 लिखना है ना, तो 11 ए डैश, फिर प्लस बी डैश, समेशन ऑफ यू, सो समेशन ऑफ यू कितना है, देखो जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, समझे। अब क्या करें, तो देखिए यहाँ पर 46 इज इक्वल टू 11 ए डैश प्लस बी डैश इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, क्योंकि देखो जीरो का मल्टीप्लाई आप चाहे किसी भी नंबर में करो आपको जीरो ही मिलता है, तो बी इंटू जीरो करेंगे तो जीरो मिलेगा। मतलब ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 अपॉन 11 है ना, 11 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं तो कितने टाइम में जाएगा, 11 फोर जा, फिर इसमें से 2 बचेगा, 11 वन जा, इसमें से कितना बचेगा, 20 हो जाएगा ना, करके देखते हैं, वन जा और 20, ओके यहाँ पे 9 आ जाएगा, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा देंगे, 8 टाइम में जाएगा 88, फिर यहाँ पे 2 आएगा, राइट, फिर पॉइंट लगाए जीरो बढ़ाएंगे, 1 टाइम में जाएगा एंड फिर से अगेन 8 आएगा, मतलब 4.1818 ऐसे करके ये आता रहेगा। तो 4.1818 लिख दिया मैंने, ये हमको क्या मिला, ए डैश, यहाँ पर लिखिए देयर फॉर ए डैश इज इक्वल टू 4.1818, समझे। तो ए डैश का वैल्यू हमको मिल चुका है, अब हमको बी डैश का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन 3 में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा इन दोनों ये जो भी वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी, ठीक है, तो समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी कितना आया है, देखिए यहाँ पे 114, तो क्या लिखेंगे, 114 इज इक्वल टू ए डैश, समेशन ऑफ यू, समेशन ऑफ यू कितना है, जीरो, यहाँ पे लिख देंगे जीरो, प्लस बी डैश, समेशन ऑफ यू स्क्वायर, समेशन ऑफ यू स्क्वायर 110, ठीक। अब क्या करें, तो देखिए यहाँ पे 114
इज इक्वल टू ए डैश इंटू जीरो करेंगे तो जीरो प्लस यहाँ पर 110 और बी डैश आ जाएगा। अब 110 को इधर ले लेते हैं तो क्या होगा, बी डैश इज इक्वल टू 114 अपॉन 110, राइट। अब यहाँ पे आप डिवीजन करो तो आपको बी डैश का वैल्यू मिलेगा, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड करती हूँ इन दोनों को, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 2 5 10, इसमें से वन बचेगा 2 7 14, यहाँ पर 2 5 10, 2 5 10। अब भी यहाँ पे आप डिवाइड करो, 55 1 55, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो 3 टाइम में जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 116, 5 3 0, पॉइंट लगाए हैं 0 बढ़ा देते हैं, कितने टाइम में अब जा सकता है ये, तो 55 2 जा, 55 3 जा, 55 5 जा, 55 6 जा, 6 टाइम में जाएगा क्या, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 330 माइनस करो, ओके इस तरह से, फिर पॉइंट लगाए हैं 0 बढ़ा देंगे, तो अब कितने टाइम में जाएगा, तो अगेन ये 3 टाइम में ही जाएगा, 3 टाइम में 165 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 35, फिर से 0 बढ़ाएंगे, है ना, 350 होगा, और फिर ये 6 टाइम में जाएगा, राइट। मतलब ये आगे ऐसे करके बढ़ता ही रहेगा, तो आप एक काम करिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1.036, और ये 3 के प्लेस पर 4 लिख सकते हो, क्योंकि देखो 3 के बगल में क्या है, 6 है, समझ में आया, 5 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो बी डैश आपको क्या मिला, 1.0364, ओके यहाँ पर लिखिए देयर फॉर बी डैश इज इक्वल टू 1.0364, समझे। तो हमने ए डैश निकाल लिया और बी डैश निकाल लिया, अब हम ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे हर एक ईयर का, ठीक है, वो कैसे आएगा मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिखा है मैंने, ये ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन, राइट। तो देखो ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन, वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश और यू ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो ए डैश कितना आया है 4.1818 प्लस बी डैश कितना है 1.0364, यू कितना है, तो किस साल का निकाल रहे हैं, तो ये 1962 का निकाल रहे हैं, तो इसमें यू कितना है -5, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर -5 लिखेंगे, राइट। अब 4.1818 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20 कैरी 2, 5 6 30 2 कैरी 3, 5 3 15 8 कैरी 1, 5 0 1 5, ओके यहाँ पर क्या आ गया -5.1820, ओके देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5.1820 और यहाँ पर 4.1818, इस तरह से, ठीक है। अब माइनस करना है तो देखो 10 - 8 करेंगे तो 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1, ओके। और यहाँ पर देखो माइनस कहाँ पर है, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है, मतलब आपका आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1.-1.0002, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेंड वैल्यू फॉर दिस ईयर, ओके। इसी तरह से आपको हर एक ईयर का निकालना है, जैसे अभी 1963 का जब आप ट्रेंड वैल्यू निकालोगे ना, तो यू का वैल्यू क्या रखोगे, -4 रखोगे, ठीक है। तो आपको इस ईयर का ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा, जब आप इस ईयर का निकालोगे तो यू का वैल्यू क्या रखोगे, -3 रखोगे। देखो ए डैश और बी डैश तो सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, यू का वैल्यू हमेशा चेंज होगा, हर बार यू का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो आंसर, है कि नहीं, इस साल का भी निकाल सकते हो, फिर इसके आगे पूरा आप निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर ही लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ रफ करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने हर एक ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू लिख दिए हैं, ठीक है, आप ये कैलकुलेट करके लिखिएगा, देखिएगा क्या ये राइट है क्या, वैसे राइट ही है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक। तो ये तो हमने ट्रेंड वैल्यू हर एक ईयर का यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आप क्वेश्चन में
एक और चीज आपसे पूछा था, वो क्या पूछा था, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। देखो 1975 के लिए भी आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है, तो जिस तरह से आपने इन ईयर्स का निकाला उसी तरह से आपको 1975 का भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो आप क्या लिखोगे, लिखना यहाँ पर कि नाउ फॉर 1975, ओके, फॉर टी इज इक्वल टू, या फिर हाँ 1975 के लिए हम निकाल रहे हैं ना, तो इस तरह से लिखना फॉर 1975। तो देखिए इसमें आपका यू क्या होगा, सबसे पहले यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यू का क्या लिखा है, टी माइनस 1967, तो ये आपका जो 1975 है ये आपका क्या है, टी है ना। तो यहाँ पर एक काम करो, इस तरह से लिखो टी इज इक्वल टू 1975, ओके। अभी यू क्या होगा, तो टी माइनस, टी मतलब 1975 माइनस 1967 है ना, मिडिल ऑफ, इसमें मिडिल वैल्यू क्या था, यही था ना, फिर अपॉन में क्या आएगा, वन, राइट। तो माइनस करेंगे तो 75 माइनस 67 करिए तो क्या मिलेगा आपको, 7 और 75 माइनस करके देखना पड़ेगा। तो देखो 75 माइनस 67 तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, 8, ओके। यू का वैल्यू आपको क्या मिला, 8 मिला। अब आप ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ट्रेंड वैल्यू मतलब वाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाला देखना, ए डैश कितना, 4.1818, तो 4.1818, फिर प्लस बी डैश कितना, 1.0364, फिर यू कितना, यू है 8, ठीक है। अब 4.1818 और यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई करिए, 8 4 सा कितना होता है, 32 है ना, 32 कैरी 3, 8 6 का कितना होता है, 48, 48, 49, 50, 51 का 1 कैरी आ गया, 5 आ गया, 8 3 सा 24 है ना, 24 प्लस 5 29 कैरी आया 2, 8 0 सा 0, 2, 8 1 सा 8। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, पॉइंट लगाएंगे चार नंबर के बाद, 8.2912, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए इसी में सब गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन आपके पास तो पूरा नोटबुक रहेगा, उसमें आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। चलो अभी दोनों को ऐड करते हैं, तो 8 प्लस 2, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1, 2, 1 3, फिर 9 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 16, 1 17 का 7 कैरी आ गया 1, राइट। फिर 1 और 2 3, 1 4 पॉइंट लगा देंगे, 8 प्लस 4 12, यहाँ पर देखो आपको आंसर क्या मिला, 12.4730। ये क्या है, ट्रेंड वैल्यू फॉर किस साल के लिए है, 1975 के लिए, समझे। तो ये आपका हो गया आंसर, ओके, 12.4730। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा लीस्ट स्क्वायर मेथड बोले ना, तब आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको यू, यू स्क्वायर, फिर यू इंटू वाई टी और ट्रेंड वैल्यू, इनका कॉलम बनाना पड़ेगा, और ये दोनों तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, अगर n इवन रहा तो, उसके लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है कि u क्या होता है, t माइनस मीन ऑफ टू टू मिडिल वैल्यूज ऑफ t अपॉन h अपॉन 2, ठीक है। तो जब इवन वाला आएगा तो हम लोग करेंगे, समझे। तो इस तरह से आप लोग को करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया गया है, देखो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द अबोव डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऑब्टेन करना है, ठीक है, फॉर द अबोव डेटा, इसका मतलब क्या है, जो आपका ये वाला डेटा है ना, इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा दिया गया था वही डेटा, डेटा तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेथड चेंज हो गया। यहाँ पे कौन सा मेथड आ गया, मूविंग एवरेज का मेथड,
राइट। तीन मेथड मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर आपको तीन मेथड्स पढ़ने, एक तो ग्राफिकल जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया, फिर लिस्ट स्क्वायर मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर टू में किया, अब यहाँ पर हम देखेंगे मूविंग एवरेज मेथड। ओके, ये भी बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे ये आपका टी है, मैं यहाँ पे लिख देते सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका टी है, ये आपका वाई टी है, मतलब प्रोडक्शन। अब एक और यहाँ पे कॉलम बनेगा, वो किसका बनेगा, यहाँ पर आप लिखना फाइव ईयरली। देखो यहाँ पे फाइव ईयरली बोला है ना, अगर फोर ईयरली बोलेगा तो यहाँ पे फोर लिखने का, अगर थ्री बोला तो थ्री लिखने का, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइव ईयरली मूविंग टोटल, मूविंग टोटल। ओके, और फिर एक और कॉलम बनेगा, ये तो कॉलम एक बनेगा ही, फिर एक और यहाँ पे कॉलम बनेगा, उसमें आपको क्या लिखना है, फाइव ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है, यहाँ पे एवरेज लिखना, मतलब क्या, ट्रेंड वैल्यू। ओके, यहाँ पर आपको ट्रेंड वैल्यूज मिलेंगी, लिख दीजिए ऐसे ब्रैकेट में करके, ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक और कॉलम बनाना है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, तो एक काम करती हूँ मैं, रुको, इसको नीचे लिखती हूँ, ठीक है ना, फाइव ईयरली मूविंग एवरेज मतलब ट्रेंड वैल्यू, ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में एकदम अच्छे से ड्रॉ करना, और इसको भी, हाँ एक इसमें मिल गया ना, बस अब इसमें आपको क्या करना है, देखो एक बार समझ लो आपको हमेशा याद रहेगा, फाइव ईयरली बोला है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर से फाइव ईयर्स का जो प्रोडक्शन है ना, इन सभी को ऐड कर देना है। तो देखो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस फोर कितना आया, फाइव आया, है ना, टू प्लस फोर सिक्स आया, ओके फाइव नहीं क्या आएगा, सिक्स आएगा। देखो मैंने क्या किया, फाइव ईयर के प्रोडक्शन को ऐड कर दिया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फोर प्लस वन फाइव, प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस जीरो सिक्स, और सिक्स प्लस जीरो सिक्स। तो अब ये सिक्स आप लिखोगे कहाँ पर, ये सिक्स आप लिखोगे कहाँ पर, तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आपको ऐसे बनाना चाहिए, नहीं तो इसमें आप ना गलती कर सकते हो, इसलिए मैं ये पहले ही बना दे रही हूँ। ठीक है, तो कितना आया था, सिक्स आया था ना, तो सिक्स आप लिखोगे कहाँ पर, तो देखो बीच में लिखना है, देखो एक दो, दो ऊपर छोड़ो दो नीचे छोड़ो, बीच वाला ये है ना, तो वन के सामने लिख देना सिक्स, बस ऐसे ही करना है। अब क्या करोगे, तो इस सिक्स को डिवाइड करना किस से, फाइव से, पांच साल का डेटा लिया है ना, तो इसको पांच से डिवाइड कर देना, तो कितने टाइम में जाएगा, फाइव वन सा फाइव, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, फाइव टू सा टेन, यहां पर आ जाएगा 1.2, तो इसमें आप लिख देना 1.2, बस खत्म। उसके बाद अब फिर पांच साल का लेना है, तो एक को छोड़ देना, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ देना, अभी पांच लो, तो यहां पे देखो एक दो तीन चार पांच, ठीक है, अभी इन सभी को ऐड करो, तो टू प्लस फोर सिक्स, वन सेवन वन एट। अब एट आप लिखोगे कहां पर, तो देखो किसके बीच में लिखोगे, तो इधर दो छोड़ना, नीचे दो, मतलब वन के सामने क्या लिखोगे, एट। अब एट को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, फाइव से डिवाइड करना है, तो एट को आप फाइव से डिवाइड कर दो, तो फाइव वन सा फाइव कैरी आ गया, फाइव वन सा फाइव थ्री आएगा, फाइव सिक्स सा थर्टी, 1.6 यहाँ पर आएगा, 1.6, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप ले चुके हो, अब यहाँ से आपको पांच पांच डेटा लेना है, तो वन प्लस वन टू, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, है ना, सिक्स प्लस टू एट, चार हुआ ये पाँच, तो एट प्लस फोर ट्वेल्व, राइट। ट्वेल्व को आप कहाँ पर लिखोगे, बीचों बीच, तो इधर दो छोड़ा इधर दो छोड़ा बीच में, यहाँ पर देखो बारह, फिर अब इसको फाइव से डिवाइड करो, तो फाइव टू ज़ा टेन, पॉइंट लगाएंगे, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, टू पॉइंट फोर यही आएगा ना, हाँ 2.4, ठीक है। कहाँ तक कर लिया था, तो यहाँ तक हो चुका है, राइट। अब यहाँ से पाँच लेना है, तो ये वाला लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चलो सभी को ऐड करते हैं, तो वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस फोर इलेवन, इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी, तो ट्वेंटी आप लिखोगे कहाँ पर, दो इधर छोड़ो दो इधर, यहाँ पे लिख देना ट्वेंटी। अभी इसको आप फाइव से डिवाइड करो, तो फाइव फोर सा क्या होता है, ट्वेंटी,
ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब यहां से आपको पांच लेना है, तो ये लेंगे, ये और ये। चलो ऐड करते हैं, 4 + 2 सिक्स, 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 7 26, 26 कहाँ पर लिखेंगे, दो इधर छोड़िए, दो इधर, यहाँ पे। 26 को 5 से डिवाइड करिए, तो 26 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5.2। फिर आप लोग को क्या करना है, कहाँ तक लिया था, तो यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है ना, अभी इधर से, तो इस इधर से नीचे 5 ले लो, 2 + 4 6, 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 + 7 देखो इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको और इसको, ओके। तो 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 + 10 25, 25 + 7 कितना हो जाएगा, 32, 32 दो इधर छोड़ो, दो इधर, यहाँ पे आ जाएगा 32। अभी इसको 5 से डिवाइड करिए, तो 32 / 5, तो 5 6 = 30 एंड 5 4 = 20, यहाँ पर आ जाएगा 6.4, ठीक है, ओके। अब इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से 5 लीजिए, तो कितना आएगा, देखो 4 + 9 13, 13 + 7 20, 20 + 10 30, 30 + 8 38, कहाँ पर लिखेंगे, दो इधर छोड़िए, दो इधर, यहाँ पे लिख दीजिए 38। अब 38 को 5 से कैंसिल करो, तो 5 7 = 35, पॉइंट लगाएंगे, 5 6 = 37.6 आएगा, है ना, 5 7 = 35, हाँ ये आएगा 7.6, ठीक है। अब इसके नीचे आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहां तक तो हमने ले लिया है ना, अगर मैं इसके नीचे जाऊं तो हमको 5 वैल्यूज कहाँ मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे, ठीक है। तो मूविंग एवरेज में ना कुछ छूट जाता है, समझे। जैसे यहाँ पर अभी ये दो रोज तो छूट ही गए ना, तो ऐसे छोड़ देने का, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो रहा है बस आप उतना ही करिए, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देती हूँ, देखो मूविंग एवरेज में आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 ईयरली दिया था ना, तो आपको क्या करना है, देखो 5 ईयर का डेटा लेना है ऊपर से, तो 5 ईयर का डेटा लिया, इन सभी को ऐड करके कहाँ पर लिखोगे, बीचों बीच लिखना है, फिर उसको 5 से डिवाइड कर देना, 5 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 ईयरली बोला है, अगर 4 ईयरली बोलेगा तो 4 से डिवाइड करना, 3 बोलेगा तो 3 से डिवाइड करना, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब एक को छोड़ दो, अब यहाँ से 5 लेना है, यहाँ से 5, फिर बीचों बीच उस वैल्यू को लिखना, ठीक है, फिर डिवाइड कर देना उससे 5 से, उसके बाद इसको आप छोड़ देना, फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, आगे वाले 5 लेना, इसी तरह से आगे वाले 5 आपको लेते जाना है, ठीक है, और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा जैसे हमको मिला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डैश डैश कर सकते हो, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बस यही करना था। देखो मूविंग एवरेज बहुत ही आसान है कि नहीं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो सेकेंड वाला मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, लेकिन उसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चंस किए, डेटा तो सेम ही था, है ना, डेटा सेम था, एक ही डेटा से हमने 3 मेथड सीखे, ग्राफिकल मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी क्वेश्चंस को हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।